हाय, आशा करता हूँ कि पिछली क्लास वाला इस सेंटेंसेस आप सबको याद हो गया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी। आइए उसी के आगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। सॉरी 10 सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। देखिए, बहुत हो गया, इट इज़ टू मच, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दिखेगा, इट इज़ टू मच। चालू रखो, कीप इट अप, अच्छा किया, वेल डन, फिर मिलेंगे। इसमें 3 है, देखिए, सी यू अगेन, कैच यू अगेन, एंड गेट इन टच विथ यू, गेट इन टच विथ यू, ठीक है। प्रैक्टिस बोलने की, ठीक है। उसमें लिप्स की जो डिज़ाइन है उसको भी चेंज करिएगा इंग्लिश बोलते समय। खुद कर लो, डू योर सेल्फ एंड हेल्प योर सेल्फ, दोनों होगा, ठीक है। समझ गए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। गॉट इट, एक गॉट इट होता है जिसमें कि हाँ हाँ समझ गए, यहाँ समझ गए क्या क्वेश्चन है, इसलिए गॉट इट क्वेश्चन हमारे साथ लगा हुआ है, ठीक है। पूछने का तरीका, गॉट इट, अभी तक नहीं, नॉट इट, मैं जाऊँ क्या, सेल आई मेक अ मूव, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो सकता है, दूसरा सेंटेंस, सेल आई पुश ऑफ, मैं जाऊँ क्या, चलेगा क्या, विल इट डू, क्या चलेगा ये, बिल्कुल जिससे कोई सामान चल रहा है, चलेगा क्या, विल इट डू, हाँ चलेगा, है ना, जब चलेगा वर्ड आएगा विल डू, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 सेंटेंस के साथ, तब तक कीप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, देन गुड बाय।